आसाम के अंदर 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आसाम एकॉर्ड किया। आसाम एकॉर्ड के अंदर आसाम के लोगों को उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक पहचान, भाषाई पहचान और चुने हुए फोरम में उनके रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 6 बनाया गया। क्लॉज 6 के अंदर एक प्रावधान था कि क्लॉज 6 के माध्यम से एक कमिटी गठित करेगी भारत सरकार, और वो कमिटी ये सारी चीजों जो आसाम के मूल निवासी है वो अपनी पहचान बना पाए इसके लिए चिंता करेगी। श्री राजीव गांधी ने बड़े उदात्त भावना के साथ इसको साइन भी किया। आसाम के लोग खुश भी हो गए, फटाके जलाए और खुशियां मनाई, आंदोलन समाप्त हो गया। मगर 1985 से लेकर जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक क्लॉज 6 की कमिटी ही नहीं बनी। कमिटी ही नहीं बनी 35 साल तक, मानने और किसी को चिंता ही नहीं हुई कि आसाम के लोगों के ये भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सामाजिक पूरे परिवेश की रक्षा, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों पर जो करना था वो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं आप बोले तब बताएगा कब हुआ, नहीं हुआ। वो तब हुआ जब इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर, आई हैव टू नेम यू मैडम। मान्यवर, मैडम रानी जी बैठ जाइए। आसाम के, इट्स नॉट द वे, आई डोंट नो। आसाम के सभी, व्हाई आर यू डूइंग दिस, सभी मूल निवासियों को, आप आराम से बोलिए। आसाम के सभी मूल निवासियों को मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज 6 की कमिटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी। इसमें किंचित मात्र शंका मत रखिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलने वाली सरकार है। और हम मानते हैं कि आसाम आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं वो सारे लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आसाम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का अब समय आ गया। और मान्यवर, इसीलिए हमने क्लॉज 6 की कमिटी बनाई है जिसमें आसू भी है जिन्होंने आंदोलन किया था, आसाम गण परिषद के हमारे साथी भी हैं। मैं सबको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी जल्दी हो सके आप क्लॉज 6 की कमिटी का रिपोर्ट कृपया भारत सरकार को भेज दीजिए, जिससे भारत सरकार आपके हितों की रक्षा कर पाए, व्यक्त करे। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1985 में जो आसाम समझौता हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और वहां के आंदोलनकारियों के बीच में, इसमें जो क्लॉज 6 है वो क्लॉज 6 आसाम के मूल लोगों की भाषा, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, उनका साहित्य और चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली और स्थानीय इकाइयों की जगहों पर उनके मिनिमम रिजर्वेशन के, उनके लिए जो रिजर्वेशन चाहिए इसकी चिंता करने का एक क्लॉज 6 था। मगर अब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई क्लॉज 6 पर कोई कमिटी नहीं बनी। वादा कर दिया गया, एग्रीमेंट हो गया, मगर उसका अमल नहीं किया। जो जोर जोर से बोलते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ही सरकार थी आसाम में 15 साल, आसाम के ही राज्यसभा के सदस्य देश के प्रधानमंत्री थे, और आसाम में ही सरकार थी, यहां पर भी 10 साल रही, मगर क्लॉज 6 को कभी भी जमीन पर उतारा नहीं गया। आसाम के लोगों को सिर्फ क्लॉज 6 कागज पर दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लॉज 6 के लिए आसाम के लोगों की कमिटी बनाई है और इनका रिपोर्ट आते ही आसाम समझौता का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। माननीय, मैं आसाम के सभी भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके भाषा की भी चिंता हम करेंगे, आपके साहित्य की भी चिंता हम करेंगे, आपकी बोलियों की चिंता जो ट्राइबल की है उसकी भी चिंता हम करेंगे, और आपको उचित स्थान पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले उसकी भी चिंता हम करेंगे। इसी को इस पर शंका रखने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं अब कुछ चीजें बताना चाहता हूं
ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि सदन से माध्यम से देश भर की जनता को और इस सदन के माध्यम आपके माध्यम से सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को कुछ वास्तविकता मालूम पड़े। हर लोग एंड हर पॉलिटिकल पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, बिल क्यों लेकर आए हो, मैं उनको कुछ चीज़ें ये दो दिन की जो प्रक्रिया हुई उसमें समझाना चाहता हूँ। गुलाम नबी साहब ने अलग प्रकार के समझाने का प्रयास करा, पर एक अलग दृष्टिकोण भी है जो मैं सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक ट्रांजिट कैंप है, भट्टी माइंस संजय कॉलोनी बस्ती, वहाँ मान्यवर साहिबा और रबे जी नाम की दो बहनें बहुत कठिनाई से भागकर यहाँ आई हैं और अपने पतियों के साथ बच्चों के साथ 2013 में वो कराची से भारत आई। उनका कहना है युवा लड़कियों जवान महिलाओं को उठा लिया जाता था, सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाता था या इस्लाम कबूल करने के लिए पाकिस्तान में हम पर दबाव बनाया जाता था। आज ये बिल आने के बाद अब तक हमको नागरिकता नहीं मिली थी, आज हम सम्मान के साथ जीने की आशा कर रहे हैं क्योंकि ये बिल लोकसभा। मान्यवर रेफ्यूजी कैंप शरणार्थियों को अपनी पहचान देने की सबसे बड़ी समस्या है। भट्टी माइंस में ही गारमेंट का काम करने वाली एक लड़की किरण रोते रोते टीवी के सामने बोली, हम नहीं बता सकते कि हम रेफ्यूजी हैं, हम नहीं बता सकते कि हम वहां से आए हैं। जो पूछते थे कितने हैं, क्यों आंकड़ा नहीं आता, इनको मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां हमें पाकिस्तानी मानते हैं, इसलिए हम हमारी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वहां पर तो हमारे साथ अत्याचार होता ही था, यहां पर भी हमें हमारी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। अब ये बिल आया है तो हम सम्मान के साथ कहेंगे कि हम भारत देश के नागरिक। मान्यवर शौकत राम अपने परिवार के साथ 13 वर्ष के थे तब आ गए, अब 32 वर्ष के हो गए, वो अपने 3 बच्चियों के पिता भी बन चुके हैं और वो कह रहे हैं हमारा बहुत लंबे समय से एक सपना था कि हम सम्मान के साथ अपने देश के अंदर नागरिक बनकर जी पाएंगे, अभी हमारा सपना पूरा होगा। बलराम ने अपने मित्रों को पाकिस्तान में सिंध में फोन कर कहा जय श्री राम, आज हमारे सभी स्वप्न पूरे होने जा रहे हैं। मान्यवर चवालीस वर्षीय एक और हिंदू महिला जमुना, उसने कहा बच्चों को वहाँ इस्लामी शिक्षा दी जाती है, हमने पाकिस्तान में कुत्ते से भी बदतर जीवन जिया है, हम ये नया आरंभ करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मान्यवर उसमें से ही एक महिला ने बताया, दलितों का कैंप है, विभाजन के दौरान पाकिस्तान के दलितों को भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रियाकत अली ने भारतीय उच्चायुक्त से कहा अगर उन्होंने जाने की अनुमति दी तो कराची की सड़कों को कौन साफ करेगा। मान्यवर ये सबको सम्मान देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल श्री नरेंद्र मोदी, और आप इसका विरोध कर रहे हो तब समझना पड़ेगा कि जिन दलित भाइयों को वहां पर एक इस प्रकार के घिनौने मकसद से यहां नहीं आने दिया गया वो आ जाते हैं तो उनको नागरिक बनाने का बिल हम लेकर आए। मान्यवर हरीशी सोडा जो राजस्थान की बॉर्डर पर आए हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से आनंद व्यक्त किया। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के साथ काम करने वाली एक संस्था निखिल बंग नागरिक संघ ने भी वहाँ कहा कि हम पर वहाँ जो प्रताड़ना हुई है मुझे मालूम नहीं पड़ता, यहाँ आने के बाद भी अब तक भारत सरकार सिंधियों या तिब्बतियों की तरह हमें क्यों नहीं स्वीकारा, अब तक आज हम मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें स्वीकारा। मान्यवर ये जो पीड़ा है ये पीड़ा उन लाखों करोड़ों लोगों की, यहाँ टेक्निकली आंकड़ा पूछना ये बहुत सरल है मगर आंकड़ा जो छोटा रहा है ना, मैं अभी भी कहता हूँ इसलिए छोटा रहा है कि कांग्रेस सरकारों ने अब तक उनको नागरिकता देने की व्यवस्था नहीं की थी। आज ये बिल पारित होने के बाद ये सदन मेरा समर्थन कर दे, ये बिल पारित होने के बाद जब नागरिकता शुरू होगी आंकड़ा मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे और अगले साल इस पर चर्चा भी करेंगे। मान्यवर
कई सारे बातों पर सवाल उठाए गए।